सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलैंड सनूज एंड सबको सलाम नमस्ते जोहार। सो क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। अभी हम लोग हैं सुमडो में, 14,800 फीट है, लगभग 15,000 फीट के हाइट पे है सुमडो। हम लोग पहुँचे थे परसों, हम लोग गए थे सो मेमोरी से फिर हम लोग को आगे जाने नहीं दिया गया। फिर हम लोग आ गए सुमडो, यहाँ रुक गए क्योंकि एक बाइक का पंचर हो गया था। रात भी हो गया था, मतलब शाम हो गया था तो ठंडा लग रहा था। कल हम लोग दिन भर यहीं पर थे, क्या बोलते हैं, सुमडो में ही थे। सबका हालत ख़राब हो गया था, छः जन का। आज भी लगभग कुछ वैसे ही, लेकिन आज हम लोग हिम्मत जुटाए कि नहीं, आज चलो आज जे ले हम लोग आज। अभी हम लोग उधर हानले की तरफ नहीं जा रहे, प्लान था यहाँ से हानले जाने का, उमलिंगला जाने का, लेकिन अभी हम लोग हानले नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग ले की ओर जा रहे हैं। सारा सामान बाइक में लोड हो रहा, देख लीजिए यहाँ पे मेरा हम लोग का हो गया है। सुबह के बज चुके हैं 11:30 हो चुका है, हालत ख़राब हो गया। अभी भी ज़्यादा बात करने से ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग इस वाले यहाँ पर रुके थे, हम लोग एक ही आपको मिलेगा सुमडो में ऐसा, देख लो ये यहाँ पे हम लोग रुके थे। और बाकी चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। बाकी अभी भी बहुत लोग का हालत यहाँ ख़राब है हम लोग के साथ। बाकी ये दोनों भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, चिंटू भाई और जॉनसन भाई, ये लोग एक ठो सामान बांधते हैं, थोड़ी देरी बैठ जाते हैं, फिर मतलब थिंग है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग दोनों। चलो सो गाइस 12 बजे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सुमडो से, जहाँ भी जा रहे इस ट्रिप में 2 दिन रुक ही जा रहे हैं, जिस पर फिर यहाँ क्या हो गया हमारे साथ। मैं भी इतना बार ट्रैवल किया हूँ, लेकिन अल्टीट्यूड सिकनेस कभी नहीं हुआ मेरे साथ भी, पर इस बार पता नहीं। सभी मेरा बाइक के पीछे अनमोल बैठा हुआ है, और अनमोल का बाइक चला रहा है जॉनसन। हम लोग वो जो रास्ता था इधर राइट, इधर सो मेमोरी जाता है, हम लोग लास्ट ईयर आए थे तो ये रास्ता भी बहुत ख़राब था, अभी ठीक है। लगभग 3-4 घंटा लगना चाहिए ले के लिए। खास के ना गला भी कट गया है एकदम, अंदर में दर्द दे रहा है, थोड़ा सा वाइजर खोल लेता हूँ, ऑक्सीजन लेने में सुविधा होगा। कल तो गजब का दिन कटा था भाई, लग रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दिन तो कट ही जाता था, लेकिन रात में उठ के हर एक घंटा में उठ के टाइम देखना कब सुबह हो, बहुत ख़राब फीलिंग हो रहा था। आगे आएगा माहे ब्रिज, आएगा माहे ब्रिज पार करके अगर हम हालने की ओर जाते तो राइट मुड़ते और हम इधर जाएंगे चुमथांग के तरफ जाएंगे, मतलब लेह के तरफ जाएंगे, तो फिर हम लेफ्ट मुड़ेंगे। सो गाइस माहे ब्रिज पार करने के बाद हम ले लिए लेफ्ट टर्न ले की ओर चुमथांग ले। अभी सबका बॉडी वैसा नहीं है, ठीक है नहीं है कि हम हानले की ओर जाए, क्योंकि हानले भी हाइट पे है। बीच बीच में ऐसा रास्ता ख़राब है, मतलब चुमथांग 16 किलोमीटर है पर रास्ता भी ख़राब ही दिख रहा है। तो ये जो नदी बहते हुए आप लोग देख रहे हो ये है इंडस रिवर, लद्दाख रीजन का, मतलब लद्दाख यूटी का जाना माना रिवर है इंडस रिवर। सो भाई हम पहुंच गए चुमथांग, चुमथांग में हम खा रहे हैं चाउमीन। चुमथांग से हम निकल गए हैं, 2:15 बजे लगभग निकले हैं, बाकी लोग पीछे में हैं, अनमोल मेरे साथ बैठा हुआ है, बाकी 3 लोग तो हम लोग अच्छे से
चाउमीन खाए, बाकी तीन लोग तो नहीं खाए। हम प्रिंस और जॉनसन पूरा अच्छे से खाए, बाकी तीन लोगों ने नहीं खाया। वैसे मुझे खाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा, बेटर लग रहा है। वैसे यहाँ से दिखा रहा था चुंगथांग से 136 किलोमीटर, तो हम 3-4 किलोमीटर आगे हूँ। बहुत हवा चल रहा, बहुत हवा, क्या पता आप लोगों को कैसा आवाज़ सुनाई दे रहा, मुझे पता नहीं। इस पूरा लद्दाख के सफ़र में इतना हवा चला, मैं कैसे ड्रोन उड़ाया हूँ वो मुझे ही पता है। मैं ऐसे ड्रोन को अगर सीधा उड़ा रहा हूँ, ड्रोन अपने आप उधर भाग जा रहा है, तिरछा। यहाँ से है 52 किलोमीटर, साफ टर्न अहेड गाइक, पीछे लिखा हुआ था लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, कभी भी हो सकता है लैंडस्लाइड ऐसे एरिया में। मनाली हाईवे, फिर उसके बाद फिर 49 किलोमीटर है, ले पहुंच जाएंगे फिर हम। अगर हम मनाली ले रास्ते से आते तो ये वाले रास्ते से आते। सो कारू 13 किलोमीटर है, ले 47। वैसे हम फिर से NH3 पकड़ लिए, ले मनाली हाईवे NH3। जो रास्ता हम लोग मनाली ले मनाली वाला रास्ता है वो, हाँ, जो हम लोग छोड़ दिए थे ना वहाँ पे। हम पहुँच गए हैं कारू, और ये देखो लिखा हुआ है झूले में नमस्ते प्रणाम, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। और कारू से भी आप जा सकते हो पेंगोंग लेक, ये वाला रास्ता चल जाता है, हाँ पेंगोंग लेक चल जाएगा। एक्चुअली अभी ना बीच बीच में आप कितने स्पीड से जा रहे हो वो चेक होता है, लगा हुआ है। मेरा तो लग रहा है 45 लिखा हुआ था, 55 में पार कर रहा था, रेड दिखा रहा था भाई, ध्यान नहीं दिया, फाइन ना कट जाए। राइट साइड में देखो ये जो दिख रहा है, क्या पता, हाँ ये देखो, ये है थिक्से मोनेस्ट्री, बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है। यहाँ पर देखो, यहाँ से जाने का रास्ता दिखा हुआ है, यहाँ से आप जा सकते हो। देखो जाना है क्या, आगे लिखा हुआ है वेलकम टू ले यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख के कैपिटल में हम लोग घुस चुके हैं फिर से एक बार और। मैं सेकेंड टाइम आ रहा हूँ ले, ऐसे थर्ड टाइम मैं लद्दाख राइड कर रहा हूँ, लेकिन सेकेंड टाइम मैं आ रहा हूँ ले। सेकेंड टाइम में जब लद्दाख आया था तो ले उस समय नहीं कवर किया था। अरे इधर चल जाएंगे ना, इस श्रीनगर वाला रास्ता है, हाँ लेफ्ट। तो भाई हम लोग ले पहुंच गए, आप लोगों को जैसे बताया 4:30 बजे लगभग पहुंच गए थे। फिर होटल खोजे हम लोगों ने, ये हम लोग को होटल मिल गया, यहाँ पर अपनी बाइक रखी। ये कौन सा रोड हो गया भैया, ओल्ड रोड तो ये भैया का होटल है, कोगलुक होटल का नाम है ना, कोगलुक। अभी लगता आप नया ही
नया ही है ना, तो हम लोग को भैया बहुत सस्ते में हम लोग को रूम मिल गया ऐसे, तो थैंक यू रहेगा भैया को। आपका नाम क्या हो गया भैया वैसे? नाम दोर्जे सर। दोर्जे। अच्छा दोर्जे भैया ही ओनर है और इनका होटल का नाम कोगलुक हो गया। और मैं भैया का यहाँ पर फोन नंबर, ये भैया का यहाँ पर मैं लगा दूंगा ऐसे नंबर, और ये है कभी भी ले आते हो तो भैया का होटल में स्टे करना अच्छा रहेगा। और ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ, और अपनी बाइक यहाँ पर लगी हुई है, हम लोग का रूम वैसे है ऊपर में है, एक बार आप लोग का रूम का भी व्यू दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा है रूम भी वैसे। ठीक है, हाँ ठीक है भैया। तो ये है, ये दो रूम हम लोग को मिला है, 107 108। ये है देखो अंदर का नज़ारा, काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग लखनऊ में यहाँ रुके थे, उस टाइप से फील आ रहा है, वैसा होटल है, वाईफाई भी है। कुछ दिन पहले नीलेश भाई लोग आए थे, अंकित भाई लोग, डेविड भाई लोग आए थे, वो लोग रुके थे सिन लद्दाख में, कि वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा हम लोग को, वहाँ 1700 रुपया बोल रहा था एक रूम का, ये हम लोग को रूम पड़ गया 1200 रुपया में, एक रूम का पड़ा, तीन बंदे रुक रहे तो दो रूम हम लोग लिए हैं, 6 लोग हैं तो 1200 1200 2400 में अच्छा रूम मिल गया, वो भी रूम एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है। चलो थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद आज तो भाई मन कर रहा है कि चिकन खाए दबा के, सूप पिए एकदम, और घर में भी बात नहीं की है, वाईफाई भी है, अभी घर में बात करेंगे, कुछ कुछ अपडेट भी करना है इंस्टाग्राम में, क्योंकि 4-5 दिन हमको लगता हो गया कि अभी तक कोई सिग्नल नहीं था। आगे कंटिन्यू करते ब्लॉग को। सो भाई देखो हम लोगों ने चिकन मंगाया है और ये है रोटी, बहुत दिन से हम लोग खाना अच्छा नहीं खाए थे भाई, सोचे आज खाते अच्छे से, हालत ख़राब हो गया था, चिकन मांग रहा था शरीर भाई।